दोस्तों नमस्ते, मैं पीके ड्राइवर आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइक कैसे चलाएं। पल्सर बाइक जो कि 125 सीसी है, जो यहां पे आप देख सकते हो ये लोगो है यहां पे, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बाइक है जो कि मैं आपको बताऊँगा कि ये आपको कैसे चलानी चाहिए और क्या क्या इसमें सिस्टम होते हैं और क्या तरीका होता है बाइक चलाने का। तो गाइस आप लोग वीडियो में प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जरूर वीडियो देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा मीटर है, ये हमारी की है जो कि यहाँ पे लगी हुई है, और आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा साइड मिरर जो है छोटे छोटे से लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी छोटा सा मिरर लगा है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन लगाता हूँ जिससे कि मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये की है, इसको मैं ऑन करूँगा तो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस करती है कि हमारी जो की लगने के बाद। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से सीट है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ऊंची रहती है। और यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाने चाहूँगा कि पूरा सिस्टम आप देख सकते हो बाइक का कुछ इस तरीके से है, कितनी ऊँची और शानदार बाइक है ये। तो गाइस आप लोग वीडियो पर बने रहें। गाइस यहाँ पे मैं आपको गियर का जो शेड्यूल होता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने नॉर्मल गाड़ियों में देखा होगा, हैंडा वगैरह में या किसी अदरवाइज बाइक में, तो ये दो पूरा लाइन यहाँ तक रहता है, बट इसमें देखा हाफ आपको दिख रहा होगा। तो ये लगता है गाइस फर्स्ट गियर नीचे का और उसके बाद सारे ऊपर लगते हैं। इसमें टोटल जो होते हैं वो 5 गियर होते हैं। तो गाइस इस तरीके से कुछ इसमें गियर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इससे गाड़ी स्टार्ट और बंद भी हो सकती है। यहाँ से सेल्फ स्टार्ट है, बाकी ये लाइट वगैरह का है, इसमें इंडिकेटर वगैरह का हॉर्न है, ये कई चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बाइक है। तो इसमें ज़्यादा पावर ब्रेक भी है जिससे कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मैं आपको अभी ये गाड़ी चला के दिखाऊँगा कितनी पावरफुल गाड़ी है और कैसे चलती है। तो गाइस आप लोग वीडियो पर बने रहें। जैसे कि गाइस मैं अपनी गाड़ी पे बैठ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लुक है, क्या तरीका है। यहाँ पे स्टैंड मैंने ऑफ कर लिया है, इसको मैं चाबी मेरी ऑन हो गई है, अब ये चलने की तादाद में है। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे इसको हम इस तरीके करेंगे और ये स्टार्ट होगी। तो कुछ लुक इसका क्या है और चलाने तरीका क्या होता है अभी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर आप दिखाने की कोशिश करें, ये होता है क्लच, यहाँ पर जो ये क्लच है, इस क्लच को हम क्या करेंगे पूरा दाबेंगे। देख लीजिए तरीका क्या है दाबने का, इस तरीके से पूरा दाबेंगे। उसके बाद यहाँ पे गियर की तरफ आएंगे, जरा गियर की तरफ दिखाएंगे। अब हम गियर को यहाँ पे डालेंगे, ये अब गियर डालना है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चलाना कैसे है। इसी देखो फर्स्ट गियर पर, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको स्टार्ट करना है तो क्लेच दबा के फर्स्ट गियर लगाया था, अभी यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन है। अब मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कैसे आपको गाड़ी बढ़ानी है और चलानी। देखिए गाइस आपको गाड़ी चलानी भी है तो आप न्यूट्रल पोजीशन पे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से स्टार्ट हो गई। अब हमको जब आगे गाड़ी चलाने की प्रक्रिया होगी तो हम क्या करेंगे, देखिए कि पूरा क्लेच यहाँ पर हम इस तरीके से दाब लिए, यहाँ पर हम नीचे गियर करेंगे तो ये फर्स्ट गियर हमारा पड़ गया। अब ये गाड़ी चलने की तादाद में देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारी गाड़ी चलने लगी। तो अभी आपको हम बताऊंगा कि आपको सेकंड गियर फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, थर्ड गियर और कुल मिला के आपको जैसे भी लगाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी जो है बाइक मैं चला रहा हूँ, अब यहाँ पे फर्स्ट गियर पड़ा हुआ है, अब सेकेंड गियर डालेंगे तो अभी यहाँ पे पैर का मूवमेंट देखेंगे आप सबसे, ये दबाया और ये कर दिया, सेकेंड गियर पड़ गया, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और आराम से हमारी गाड़ी कुछ इस तरीके से चलने लगेगी जो कि तरीका होता है चलाने का। अब यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो मैं फिर से अपनी गाड़ी की स्पीड मेंटेन करूँगा और पूरा क्लच दबाया, देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा क्लच दबाया, पैर का मूवमेंट क्लच वाला किया है, मैंने क्लच को ऊपर उठाया और धीरे धीरे क्लच छोड़ा, कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी तीसरे गियर में चलने लगी जो कि
चलाने का तरीका होता है वो हमें पता होता है कि हमें गाड़ी कैसे चलानी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं तो मैं हॉर्न लूंगा इसको निकालना। तो गाइस चलाने का तरीका हमें आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी तरीके से आप करते हैं जो कि चेंज करने का सिस्टम सही होता है। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं तीसरे गियर पे चल रहा हूँ आराम से। रही बात आपको मैं ब्रेक की बात बता दूं तो पिछले वाला ब्रेक जो होता है वो जो है ब्रेक शू से होता है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। बट ये जो हमारा पावर ब्रेक होता है वो फर्स्ट में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना पावरफुल ब्रेक होता है, जो जिसको हम तुरंत नहीं लगाएंगे। जैसे आप मान लीजिए हम तुरंत लगा देंगे तो इस तरीके से हमारी गाड़ी तुरंत रुक जाएगी। तो इस तरीके से गाइस आपको नहीं लगाना है। जब भी आपको गियर लगाना है तो आराम से स्मूथ होके लगाना है। हल्का सा आप ब्रेक लगाएंगे, पिछला वाला ब्रेक लगाएंगे जैसे कि पिछला वाला हल्का सा लगाएंगे और अब आप लगाएंगे ये ब्रेक जो हमारा पावर ब्रेक होता है आगे हाथ वाला, तो इसको आराम से लगाएंगे। इस तरीके से हमारी गाड़ी कुछ रुक जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है ब्रेक चलाने का, जो कि हम अपना चला लेंगे। जब भी हम गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे या गाड़ी रोकने की सिचुएशन में होगा तो हम पूरा क्लच जरूर दबाएंगे, जो कि सही तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं जो क्लच मैंने पूरा दबाया हुआ है। क्योंकि तरीका जैसे होता है बाइक चलाने का, आप क्लच फोर व्हीलर चलाते हो तो आप लेफ्ट वाले पैर का यूज करते हो, जो कि आपको लेफ्ट वाले पैर से क्लच रोकना होता है। यहाँ पर लेफ्ट वाले हाथ का काम है जो कि रोकना होता है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मैं अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया हूँ और यहाँ पे आपको ये जानकारी मिली, आप कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार से कोई भी जानकारी या वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताऊँगा चौथा पाँचवा गियर किस स्पीड में लगाना चाहिए और कितनी गाड़ी में क्या क्या सिचुएशन होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, जय हिंद।